हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग प्रॉप्स को कैसे यूज कर सकते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के साथ। सो गाइस, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स ऑब्वियसली यूज तो हम लोग कर रहे हैं कि किसी कंपोनेंट को स्टाइलिंग देने के लिए, बट एट द एंड है वो कंपोनेंट्स ही, और कंपोनेंट्स में आप प्रॉप्स भी पास कर सकते हो। तो चलिए हम लोग कुछ इसी टाइप का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा स्टाइल्ड बटन है उसको हम लोग प्रॉप देंगे। ओके, और ये जो स्टाइल्ड बटन है आप देख रहे हो वो क्या कर रहा है, सिंपली अभी यहाँ पर आपको एक बटन दिखा रहा है, इस जगह पर आपको एक बटन दिखा रहा है। सपोज आपको क्या करना है, सपोज आपको एक सेम एज इट इज बटन बनाना है, तो आप स्टाइल्ड कंपोनेंट का यूज कर सकते हो, बट बटन का कलर जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। ओके, सो इन दैट केस मैं स्टाइल्ड कंपोनेंट का ये जो स्टाइल्ड बटन है उसको यूज कर लेता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉग इन विथ गूगल। ओके, लॉग इन विथ गूगल हो गया। ओके, तो लॉग इन विथ गूगल, अब आपको ये यहाँ पर बटन दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस बटन का कलर चेंज करना है, और कलर चेंज करने के लिए आप प्रॉप के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि क्या कलर होना चाहिए इस पर्टिकुलर बटन का और इस पर्टिकुलर बटन का। बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ से बैकग्राउंड कलर तो मैंने फिक्स कर रखा है, क्या होना है, ऑरेंज होना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक कलर नाम का प्रॉप बनाते हैं। मैं दोनों में मल्टीपल कर्सर से एक साथ बना रहा हूँ, और ये कलर नाम का एक मैंने प्रॉप बना दिया। ओके, कलर नाम के प्रॉप में पहला मुझे कलर चाहिए सपोज ऑरेंज, तो मैं यहाँ से ऑरेंज भेज देता हूँ, और दूसरा मुझे कलर चाहिए तो वो मैं कलर यहाँ से भेज देता हूँ, सपोज ग्रीन हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉप के बेसिस पर यहाँ पर कलर्स मिले, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट है इसके अंदर हम लोग हमारे प्रॉप को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉप को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, बिकॉज ये आपने टिल्ट सिंबल का यूज किया है, तो टिल्ट सिंबल के अंदर आप इनलाइन हमारे वेरिएबल्स फेच कर सकते हो, और वेरिएबल्स फेच करने के लिए सिंपली क्या करना है, तो मैं ऑरेंज हटा देता हूँ यहाँ से, और हमारा डॉलर और करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। ये ES6 टेम्पलेट लिटरल्स है, जो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से कवर भी किया था जब हमने ES6 मॉड्यूल्स पढ़े थे। तो ES6 टेम्पलेट लिटरल्स, और हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज कर लेते हैं एरो फंक्शन को। प्रॉप्स हमने गेट किया, और हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, तो रिटर्न करना चाहते हैं प्रॉप्स का डॉट कलर। ओके, तो प्रॉप्स गेट करके देखिए एरो फंक्शन होता है, जो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन का ये आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, और उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे एक लाइन का रिटर्निंग स्टेटमेंट हो गया। तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, प्रॉप्स गेट कर रहे हो, और प्रॉप्स में से जो कलर वाला प्रॉप है वो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में फेच कर दे रहे हो। चलिए, और देखिए बैकग्राउंड कलर में अब कलर आ रहा है, और अब जो कलर आ रहा है वो कहाँ से चेंज होके आ रहा है, यहाँ से चेंज होके आ रहा है। ओके, अगर आपको मोर स्पेसिफिक इसको बीजी कलर रखना है, तो आप यहाँ पर बीजी कलर रख दीजिए, ताकि कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर पाए, कलर रिप्रेजेंट कर पाए इसके टेक्स्ट के कलर को। ओके, तो ये हमारा कलर इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब सपोज आप यहाँ पर कोई कंडीशन देना चाहते हो, ओके, तो कंडीशन आप किस बेसिस पर देना चाहते हो, तो आप चेक करवाना चाहते हो कि ये दोनों बटन्स अगर कुछ इस टाइप से दिख रहे हो, मतलब कि दोनों बटन्स अगर साथ साथ में लगाने की कहीं जरूरत पड़ती है, तो उस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रॉप पास कर सकते हैं, और वो प्रॉप क्या करेगा, मैंने सपोज क्या किया, एक फ्लैग नाम का प्रॉप पास कर दिया, और उसमें 1 पास कर दिया, मतलब मुझे 2 बटन्स चाहिए, तो उस केस में ये डिस्प्ले ब्लॉक ना होकर क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाना चाहिए, मतलब दोनों पास पास में आ जाने चाहिए, और 50% की विड्थ आ जानी चाहिए। ओके, तो इन दैट केस ये हमने क्या किया है, फ्लैग भेजा यहाँ से 1। अब यही स्टाइल्ड कंपोनेंट कहीं यूज करना होता और वहां पर मुझे पूरा बटन एक ही लाइन में चाहिए होता, तो मैं 0 भेज सकता था। बट चलिए पहले देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो ये जो मेरा ब्लॉक है उसको मैं छोड़ देता हूँ, और सीधा यहाँ आ जाता हूँ विड्थ पर, और इस प्रॉप की मदद से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्रॉप्स रिसीव करूंगा, और प्रॉप्स रिसीव करके मुझे रिटर्न क्या करवाना है वो यहाँ पर हम लोग जज कर सकते हैं। तो प्रॉप्स में से डॉट फ्लैग जो है उसकी बेसिस पे हम लोग रिटर्न करेंगे कि अगर फ्लैग 1 होता है, फ्लैग जो है वो 1 होता है, तो क्वेश्चन मार्क, और मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ वो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, और एल्स में मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ वो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर फ्लैग 1 होता है इसका मतलब कि आप 2 वहां पर रखना चाहते हो आपके बटन्स को, तो फ्लैग 1 तो आप रिटर्न कर रहे हो 50%, वरना आप रिटर्न कर रहे हो 100%। और अब यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से ही हो गया, और एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ ऊपर भी ले लेंगे इस पर्टिकुलर पूरे को, और यहाँ पर मैं ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में स्विचिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स प्रॉप्स और एरो फंक्शन की मदद से जो प्रॉप्स में हमारा यहाँ पर फ्लैग है, अगर वो 1 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। ओके, तो इनलाइन ब्लॉक ताकि ये क्या करे, सारी पैडिंग मार्जिन मिले और इनलाइन भी रहे, और वरना हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ ब्लॉक भेजेंगे। ओके, तो ये एज अ ब्लॉक जाएगा। तो स्टाइल्ड कंपोनेंट को भी आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से
फॉर्मेटिंग करके भेज पा रहे हो। और एक हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इधर एक ब्रेक टैग लगाना होगा ताकि नीचे वाली लाइन में आ जाए। और ये देखिए ब्रेक टैग लगा दिया मैंने सिंपली, और अब ये नीचे वाली लाइन में आ चुका है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ब्रेक टैग लगाने के बाद भी हमारे जो बटन है वो कुछ इस टाइप से आ रहे हैं, बिकॉज हमने क्या किया है यहाँ पर 50% दे रखा है, और जब 50% दिया है तो वो बटन जो है वो बाई डिफॉल्ट कुछ मार्जिन भी ले रहा है, और इस वजह से वो अरेंज नहीं हो पा रहे थे। हम लोग 45% दे देते हैं ताकि दोनों बटन ऐसे पास पास में अरेंज हो जाए। अब सपोज यही स्टाइल्ड बटन मुझे वापस यूज करना है, बट किसी और पर्पज के लिए, तो स्टाइल्ड बटन वापस यूज करना है, सिंपली आप यहाँ पर स्टाइल्ड बटन लिखिए, और इस बार हम क्या करेंगे फ्लैग में जो वैल्यू है वो भेजेंगे 1। इस बार हम लोग फ्लैग में जो वैल्यू है वो 0 भेजेंगे, तो फ्लैग इक्वल्स टू 0 भेजेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये बटन आपको पूरे का पूरा एक ब्लॉक में दिखेगा, और इसका कलर जो है वो मैं भेज देता हूँ इधर से ब्लू। ओके, और इधर मैं लिखवा देता हूँ लॉग इन विथ फेसबुक, तो लॉग इन विथ फेसबुक। और देखिए यहाँ पर एक बटन हमको दिखेगा, मैं एक बार को रिफ्रेश कर देता हूँ और डिस्प्ले, और आपको ये यहाँ पर बटन दिख रहा होगा, बट ये अभी विजिबल नहीं होगा बिकॉज हमारे यहाँ से जो कलर जा रहा है वो मे बी सही कलर ना जा रहा हो। ओके, तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख तो रहा है बट वो विजिबल नहीं है बिकॉज उसका कलर सही से नहीं गया। हमने यहाँ पर BG कलर लिखना था, कलर लिख दिया था। अब देखिए ये बटन यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इस बटन के फ्लैग के 0 होने पर हमने इसको क्या करवा रखा है, तो फ्लैग के 0 होने पर चेक कर लेते हैं। अगर फ्लैग 0 हो तो इसको क्या करना है, एज अ ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फ्लैग और फ्लैग 0 होने पर ये एज अ ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है, और 100% की विड्थ होनी चाहिए। ओके, तो गाइज ये बटन जो हमारा है वो लॉग इन विद फेसबुक कुछ इस टाइप से दिखा रहा है। तो चलिए हमने क्या किया है, यहाँ से हमने 0 भेजा है, बट ये 0 को चेक नहीं कर पा रहा बिकॉज ये एज अ स्ट्रिंग जा रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फ्लैग डॉट प्रॉप पोस्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 1 चेक कराना होगा, ट्रिपल इक्वल्स टू, और स्ट्रिंग में 1 चेक करेंगे हम लोग। तो एग्जैक्टली क्या करेगा, डेटा टाइप के साथ में मैच करेगा। और अब देखिए तो बटन पूरी तरीके से आपको इधर दिख रहा है, और जिस पे 0 होगा वो बटन किस टाइप का दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो मैं अगर इस पे भी 0 कर दूं और फिर से यहाँ पर लेके आऊं मैं और रिफ्रेश करूं, तो देखिए ये बटन जो है मेरा कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और अगर 1 होगा तो बटन जो है उसकी जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगी, और उसकी विड्थ भी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक स्टाइल्ड कंपोनेंट यूज करना है, एक स्टाइल्ड बटन यूज करना है, बट कुछ केसेस पर उसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ चेंज करना है, तो आप सिंपली इस तरीके से प्रॉप से चेंज कर सकते हो। So I hope guys ये concept समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। That's it for this video. Thank you so much.